कार्ड ही सही नहीं है। वही तो है, माइनस 13 है, ये माइनस वाला है। इसमें कितना है? इसमें कितना है? इसमें माइनस 2 रुपये। अरे 210 ये मुझे दे। इसमें एक बार फिर मेरे इस खास लोग में स्वागत है, और आज मैं आपको लेकर आया हूँ जनकपुरी बैंड मेट्रो स्टेशन पर। ये मेट्रो स्टेशन में आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो है मैजेंटा और ब्लू लाइन का इंटर कनेक्शन है, लिंक है, यानी यहाँ पे दोनों मेट्रो आपको अंडरग्राउंड मिलेगी। आपको मैजेंटा लाइन और ब्लू लाइन गई हुई है जो द्वारका और नोएडा वगैरह वैशाली वगैरह जाती है। आप देख रहे हैं पिकाटली जो है बिक गया है, और आइए मेरे साथ आप दिखाते हैं आपको पूरा जनकपुरी बेस्ट मेट्रो स्टेशन। हम एंट्री कर चुके हैं, और ये हमारा एस्केलेटर है, इसको एस्केलेटर पे चलते हैं। अभी एस्केलेटर पे आइए, आप भी साथ साथ आते रहिए। और यहाँ से शुरुआत कर दी हमने मेट्रो स्टेशन, और ये फर्स्ट एस्केलेटर है, फर्स्ट गेट में उधर से हम एंट्री कर रहे हैं, और पूरा अभी मेट्रो स्टेशन आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पर, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो पहले फ्रेंड्स ब्लू लाइन की तरफ चल लेते हैं। ये आप पिकाडली देख रहे हो, जो पिकाडली हम बताते हैं हयात ने ले लिया है। तो ऊपर ब्लू लाइन की तरफ चलते हैं, और ब्लू लाइन से हम दिखाते हैं ये मेट्रो का जो नंबर 1 गेट है, उधर से देखिए रोड पार है, तो काफ़ी लंबा ये बना दिया है। और ये मेट्रो आई है आपकी नोएडा से। तो अभी हम आगे नीचे मैजेंटा लाइन में, मैजेंटा लाइन मेट्रो से अभी उतरे हैं। यहाँ से ऊपर तक का भी हम दिखाते हैं ब्लू लाइन तक। अभी तो हमने बाहर से आपको ब्लू लाइन पे लेके गए थे, अब मैजेंटा लाइन जो कि अंडरग्राउंड में है मेट्रो हमारी, इससे हम लेकर चलेंगे आपको ऊपर ब्लू लाइन पे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एस्केलेटर ले लेते हैं। ये मैजेंटा लाइन आप देख रहे हैं, कलर मैजेंटा है मेट्रो का, और ये आगे जाएगी मजलिस पार्क तक। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, मजलिस पार्क की ये मेट्रो है खड़ी हुई है, जो यानी कि ये अंडरग्राउंड है आगे तक। तो अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए हैं, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। मैजेंटा कलर सबसे ज़्यादा यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि मैजेंटा लाइन है। मेट्रो को ऐसे ही कलर्स में डिवाइड किया गया है, और ये पगचिन्ह देख रहे थे आप उधर, मैजेंटा कलर के पगचिन्ह थे। तो मैं बता रहा था कि मेट्रो जो है उसको कलर के साथ डिवाइड किया है, कलर कोडिंग की गई है मेट्रो में, क्योंकि बहुत सारे रूट हैं मेट्रो के, तो उनको कलर के हिसाब से बांटा गया है, और कलर के हिसाब से उसको लेने में सुविधा रहती है उसको। स्टेशन कहाँ से कहाँ कौन सा लाइन जाता है ये पता रहता है हमें, कौन से कलर की मेट्रो कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो अच्छा रहता है। तो ऊपर की तरफ हम आ रहे हैं, अब आप देख रहे हैं ऊपर आगे, यहाँ जब पिकाडली, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर वेस्ट का मेट्रो स्टेशन है जैसे कि हम बता रहे थे, तो वो हयात होटल हो गया है पिकाडली का। तो हम ऊपर की तरफ आ गए हैं, और ऊपर चल रहे हैं हम अभी, और इससे ऊपर हम आपको लेकर चलेंगे ब्लू लाइन पर। अभी देख रहे हैं ये जो ब्लू लाइन के पगचिन्ह है, और इससे ऊपर की तरफ चलते हैं ब्लू लाइन की तरफ, मेट्रो स्टेशन की तरफ ब्लू लाइन के। तो ये मेट्रो स्टेशन काफ़ी खूबसूरत आप देख ही रहे हो, बढ़िया लग रहा है काफ़ी, और काफ़ी बड़ा भी है मेट्रो स्टेशन, क्योंकि इंटरलिंक जहाँ हो जाता है वहाँ पे स्टेशन जो है बड़े हो जाते हैं हमारे, क्योंकि दो मेट्रो क्रॉस करती है, तो नीचे बहुत काफ़ी नीचे है वो मेट्रो, ताकि ऊपर तक इसका इफेक्ट ना आए किसी भी प्रकार का। ऊपर वाली मेट्रो पे एक ओवरहेड है और एक अंडरग्राउंड है हमारी मेट्रो, तो दोनों को मैंने आपको दिखाया, अंडरग्राउंड भी और ओवरहेड भी, यानी कि मैजेंटा लाइन भी और आपको ब्लू लाइन भी हमने दिखाई है। और ये द्वारका की तरफ हम अपनी मेट्रो का इंतज़ार करते हैं द्वारका की तरफ जाने के लिए। और वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना यार, और बहुत से लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी, और ये मेट्रो हमारी द्वारका वाली आ गई है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, आपको फिर मिलते हैं दूसरी किसी अच्छे सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।